Hey everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, सीनियर सिटीजन है या कोई होम पेरेंट है, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली कोर्स लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से और यहाँ पर कोलेबोरेशन हुई है डिजिटल इंडिया एंड इंटेल की। सो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपको फ्री सर्टिफिकेशन मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है वो डिजिटल बैचेस भी अलॉट होंगे। सो मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। सभी के लिए ये इनिशिएटिव निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान सकें और साथ साथ में ये जो फ्री बैच और सर्टिफिकेशन मिल रहा है उसका भी फायदा उठा सकें। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके फटाफट उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इसी तरह की वीडियोस की डिटेल मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेकर आती हूँ, जहाँ पे हम फ्री कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, जॉब स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप से रिलेटेड डिटेल्स, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। सो प्लेटफॉर्म का नाम है AI फॉर ऑल। ये एक इनिशिएटिव है जो कि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटेल और डिजिटल इंडिया की तरफ से लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हिस्सों में आपको जो है ये कोर्स मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनिशिएटिव की मैं बात करूँ, सो एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये बनाया गया है ताकि सभी को पता चले, बिकॉज आप जानते हैं हमारा फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। सो हमारी पब्लिक को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि AI क्या है। अगर AI के बारे में आप जानना चाहते, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। बहुत ही बेसिक चीजें आपको यहां पे बताई गई है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और AI में क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं दो आपको यहां पे सेक्शन बताए गए हैं, AI अवेयरनेस के बारे में और AI अप्रिशिएशन के बारे में। सो यहां पे डिस्कशन होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ह्यूमन इंटेलिजेंस की, AI क्या है, नॉन AI मशीन्स क्या करती हैं और उनसे रिलेटेड मिसकंसेप्शन क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू AI। सो वो यहां पे क्लियर की गई हैं। बाकी यहाँ पे AI एप्रिसिएशन का भी सेक्शन है जहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं AI से और AI एथिक्स से रिलेटेड। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बेनिफिट्स की बात करूँ, सो ये दो बैचेस जो हैं वो आप ले सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिजिटल इंडिया की तरफ से और इंटेल की तरफ से। यू गाइस कैन सी ये सैम्पल बैचेस यहाँ पे बताए गए हैं दोनों सेक्शन से रिलेटेड। मैं आपको अपने बैचेस भी दिखाऊंगी। उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई और डाउट है इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, नीचे FAQ सेक्शन दिया गया है। बताया गया है कि AI फॉर ऑल क्या है। AI फॉर ऑल एक सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम है जहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। सो ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है और ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इसका कवरेज दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ये भी बताया गया है कि क्या कितना ड्यूरेशन रहेगा। वैसे तो सेल्फ ऑनलाइन कोर्स है तो जितना मर्जी चाहे आप उतना टाइम ले सकते हैं कंप्लीट करने में। बाकी सबसे अच्छी बात है कि कौन कौन अटेंड कर सकता है, कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं रखी गई है, कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हर एक लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगा और साथ साथ में यहाँ पे कोई भी इसको कंप्लीट कर सकता है, ये सबसे बेस्ट बात है। अगर बात की जाए किस तरह से आप अटेंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे वो भी कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं रखे गए हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, आप यहाँ पे बहुत आराम से इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। क्या क्या कवर किया जाने वाला है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो आप यहाँ पे बाकी की जो भी डिटेल्स है वो इस प्रोग्राम की इस प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। मैं आपके साथ जो है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब चलते हैं कि हमने यहाँ पे लॉगिन और साइनअप कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऊपर ही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो सही रखिएगा, बिकॉज फ़ोन नंबर पे आपके पास वेरिफिकेशन आने वाली है। वेरिफिकेशन आने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी यहाँ पे लॉगिन साइनअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यू गाइस कैन सी आपके मॉड्यूल्स इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ तो आपको इस तरह से कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे इसको तो आपके पास यहाँ पे 00 दिखाई देगा हर चीज़ का। अगर मैं बताऊँ कि कहाँ पे आपको जो है वो बैच और सर्टिफिकेशंस मिलने वाली है, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी कवरेज
पेजेस आई हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी कवरेज दिया, बट कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बट मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है फर्स्ट स्टेप में, जब आप फोर्थ सेक्शन पे पहुँच जाएंगे, फोर्थ सेक्शन में आपको फर्स्ट बैच आपका अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने जब ये कोर्स कंप्लीट किया तो फोर्थ सेक्शन में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरा पहला बैच है। उसके बाद अगर आप सेकंड बैच की और सर्टिफिकेशन की बात करें, सो उससे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में जो एट्थ मॉड्यूल है हमारा, वहाँ पे आपके पास सेकंड बैच आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ही आपके पास नीचे ही आपके पास सर्टिफिकेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा। सो ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, बैचेस भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको इंटेल, डिजिटल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस तरह का प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इस सर्टिफिकेशन के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में और इस प्लेटफॉर्म की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। आप चाहें तो मेरी वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी इस प्रोग्राम के बारे में पता चले, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और AI से रिलेटेड जितने भी लोगों को जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमारे इस कंट्री को मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।